वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब आज बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं और इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर बिनिश ने हमें ज्वाइन कर लिया है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। वेलकम टू द शो डॉक्टर बिनिश, कैसी हैं आप? शुक्र, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जनाब डॉक्टर बिनिश से जो आज हम बात करने वाले हैं वो ये बात है कि बच्चे हमारे जो हेल्दी फूड नहीं खाते उन्हें अनहेल्दी जो फूड है वो खाने की हमेशा क्रेविंग रहती है। बाहर से कुछ भी खिला दे, जंक फूड खिला दे, लेकिन जो हेल्दी फूड है बेसिकली वो है क्या, अनहेल्दी फूड क्या है, इस पे डॉक्टर बिनिश बताएंगे। डॉक्टर बिनिश, हेल्दी और अनहेल्दी, सबसे पहले आगाज तो हम यहीं से करेंगे। अच्छा, ये वर्ड्स हमें बड़ा सुनने को मिलता है, हेल्दी फूड खाया करो, अनहेल्दी ना खाया करो। तो थोड़ा सा फ़र्क करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हमें खुद पता होगा तो हम अपने बच्चों को अवेयरनेस बड़ी अच्छी तरह से दे सकते हैं। देखिए, हेल्दी फूड मीन एनी होम फूड, ठीक है, कोई मैं उसमें स्पेसिफिक नहीं कर रही कि ये चीज़। और अनहेल्दी फूड मीन्स एनी फूड आउटसाइड फ्रॉम हाउस, मतलब कि जो जंक्स हम खा रहे हैं, जो पैकेट फूड खा रहे हैं, जो स्वीटनर्स वाली चीज़ें, जो बहुत रिफाइंड चीज़ें हैं वो खा रहे हैं, वो अनहेल्दी में आती हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि जो हेल्दी फूड जो घर में बनी होती है वो बड़ी सिंपल फूड्स होती हैं। आपने कभी देखा घर में कोई चीज़ खाई जाए तो वो डाइजेस्ट करने में इतनी आसानी होती है, और उसके बाद फिर आपको हंगर दोबारा से फील होती है, आपको फुलनेस वाली फीलिंग नहीं आती है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर आप कोई बाहर से जंक खा लेते हो, कोई और आर्टिफिशियल फूड खा लेते हो, एक तो आपको वो डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत करती है, आपको फुलनेस फीलिंग बहुत देर तक देती है, और दूसरी बात है साइड इफेक्ट्स उसके बहुत ज्यादा हैं, जो हम अभी उसी चीज को डिस्कस करेंगे। हमारे वही आप जैसे कह रही है ना कि अगर आपने बच्चों को खिला दिया खाना तो आप बच्चे कहते हैं कि बस हमें और दे दें, मेरे थोड़ी देर बाद भूख लग गई घर आके, यही मसले रहते। अच्छा, साइड इफेक्ट्स की बात करें, अनहेल्दी फूड, जंक फूड जो बाजार से हम खिलाते हैं अपने बच्चों को, इवन जो प्रोसेस्ड सारी चीजें होती हैं, ये सारी अनहेल्दी में ही आती हैं। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो क्या क्या? अच्छा अर्मिला, इसके साइड इफेक्ट्स अगर हम देखे जाए ना, तो मेडिकली अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले जो बहुत कॉमन हम बच्चों की इस एज में देखते हैं, कॉन्स्टिपेशन का मसला बहुत ज़्यादा होता है। डाइजेशन प्रॉब्लम्स की वजह से पेरेंट्स बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रहे होते हैं कि ये कॉन्स्टिपेशन हार्ड स्टूल कर रहा है, या आफ्टर सो मेनी डेज वो स्टूल पास कर रहा है। तो ये सिर्फ उस वजह से कि जब हमारे अपने कार्बोहाइड्रेट, घर से बनी रोटी, घर से बने चावल, घर की बनी चीज़ें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स, ये चीज़ें जब बच्चों को नहीं देते, बच्चों को जंक फूड पे लेके आते हैं, पैकेट फूड पे लेके आते हैं, कैंडीज पे, चॉकलेट्स पे, इन चीज़ों पे, तो सबसे कॉमन चीज़ जो देखी गई है वो कॉन्स्टिपेशन की है, क्योंकि वो डाइजेस्ट करना कंपेयर टू नेचुरल फूड बहुत टफ होता है। दूसरी चीज़ उनमें एसिड पेप्टिक डिजीजेस, रिफ्लक्स जिसको हम कहते हैं कि मोस्ट ऑफ कॉमन एज जो 6 to 7 ईयर्स के एज के बच्चे या उससे ऊपर वाले बच्चों में, वो बच्चे आके कंप्लेन करते हैं कि ये जब खाना खाता है तो पेट दर्द होता है, या कोई भी चीज़ खाता है तो पेट दर्द होता है। वो बेसिकली उसको स्टमक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया होता है, क्योंकि वो इतनी बाहर वाली फूड्स, एक प्रोसेस्ड फूड, उसमें स्पाइस घर के बजाय डिफरेंट चीज़ें, तो एक उससे सबसे कॉमन इफेक्ट जो चीज़ हमारे बच्चों में हो रही होती है वो हमारे बच्चों के मैदे या स्टमक हो रहे होते हैं। और ट्रस्ट मी, अगर वो चीज़ हम उसको इजी लें, वो इतनी प्रोलॉन्ग हो जाती है ना कि इवन ये हमने बड़ों में सुना होता है कि जी मुझे ये दर्द हो रही है, मुझसे हजम नहीं हो रहा, लेकिन आजकल 6, 7, 8 ईयर से ऑनवर्ड बच्चों में ये प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन आ रहे हैं। दूसरी बात, अब जब बच्चों में हम हेल्दी फूड नहीं दे रहे होते तो किडनी डिजीजेज भी बहुत कॉमन देखी गई हैं, जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब का इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं। बच्चे कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जी बच्चों में यूरिन की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो गई है, या फिर उनको जल के पेशाब आ रहा है, बर्निंग मिक्चुरेशन आ रही है, वो सिर्फ ये जंक फूड की वजह से, क्योंकि जंक फूड हमारे यूज़ में इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसको हम बच्चों के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल है। आप कभी खुद भी फील करें, हम बड़े भी कभी कंटिन्यूसली 2-3 दिन कुछ खा लेना बाहर से, तो वो इतना अजीब सा फीलिंग होता है और बच्चे उस फीलिंग को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वो मेडिकली उसको फिर हम कंडीशंस के रिलेट करते हैं कि ये इस चीज़ से आया। अच्छा, हमारे यहाँ नॉर्मली बच्चों का एक बड़ा मसला है कि हेल्दी फूड की तरफ अट्रैक्ट होते ही नहीं है, आप उनको जो मर्जी कर दें, उनको जो चीज़ अट्रैक्ट, क्योंकि हमने टेस्ट जो उनके उसी तरह इनिशियली वो डेवलप कर लेते हैं। अच्छा, इसमें कुछ टिप्स जो हम अक्सर पेरेंट्स को भी देते हैं और जो बड़ी एक यूजफुल टिप्स हैं, एक तो अपने बच्चों की थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करें। सही, एपिटाइट इंक्रीज कब होती है? जब बच्चों का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, और मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कब होना है? जब बच्चे खेल रहे हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज होनी है।
बेसिक बच्चों ने देखें नेचुरल फूड की तरफ तब आना है जब उनकी एपिटाइट इंक्रीज होगी. दूसरी बात, उनका हमने स्केड्यूल बनाना है. जब हम यूज टू कर देते हैं ना किसी चीज के, आप शुरू से बच्चा एक रूटीन देख रहा है, उसे पता है मैंने 3 times अ मील लेना है, 2 times मैंने स्नैक्स लेने हैं, तो वो अनहेल्दी की तरफ बड़ा कम जाता है क्योंकि उसको हंगर फीलिंग उस तरह नहीं आ रही होती. तो आप एक स्केड्यूल बनाएं, बच्चों को अपने साथ डाइनिंग टेबल पे बिठाया करें, हमें जो बिठाना चाहिए, और जो फूड हम खा रहे हैं उनको भी खिलानी चाहिए. अच्छा, चीजें कुछ बिहेवियर चेंज करने से भी हो जाती हैं. उनको हम सिर्फ ये कहेंगे बेटे यू हैव टू टेस्ट, बस टेस्ट कर लो, लाइक मत करो इसको. तो बिलीव मी, एक रूल होता है 1 tablespoon रूल, कि अगर एक चम्मच से आप शुरू करते हैं ना, तो वो आहिस्ता 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 आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि बच्चा एक चम्मच से शुरू करता है, उसको वो टेस्ट बड्स डेवलप हो गए हैं उस चीज के, और वो वही डोज उसकी इंक्रीज होकर उसकी लाइकिंग में आ जाती है. तीसरी चीज, खुद भी सैलड्स हमें यूज करना चाहिए ताकि बच्चों को भी सैलड्स, और वाटर इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं हर दफा कहती हूँ कि 6 to 8 glasses जैसे बड़ों के लिए जरूरी है, बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सी चीजों से प्रिवेंट कर सकते हैं. और एक बड़ा ही कॉमन साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है कि जब आप डाइनिंग पे बैठे हो ना, तो एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए कि बच्चे ने फोक से खाना है तो बस आप स्ट्रिक्टली जैसे खा रहा है उसको खाने दिया जाए. उनको थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन होनी चाहिए कि अगर वो फोक से अनकंफर्टेबल है, एक दफा होगा, दो दफा होगा, उसको खाने दे जैसे वो खा रहा है. आप फिर खुद ही देखोगे कि वो जैसे देख रहा है, हाँ, जैसे वो देखेगा, हाँ, वो फिर शुरू कर देगा. और दूसरा, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए. प्रेशराइज इस तरह के बेटे यू हैव टू फिनिश इट, इसको फिनिश करो, प्लेट को क्लीन करो. लेट देम अलाओ कि जितना वो खाना चाहते हैं उनको खाने, और माएं बाद में खुद खाएं. ताकि माएं होता है ये हमारे घर पर अब्बा ने ड्यूटी लगाई, जो बच्चा खाना छोड़ेगा माँ खाएगी बाद में. नहीं नहीं, ऐसे होता है, माएं कहती है हमारा वेट गेन होता जा रहा है, बच्चे वालों का गेन भी हो रहा है. मेरी भाभी तो इन्होंने ये तरीका अपनाया हुआ है कि भाई पहले बच्चे खा ले, जो छोड़ेंगे फिर मैं अपना खाना बैठ के उस हिसाब से खाऊं. ये ठीक है, ये नहीं अपना भी खा ले और बच्चों को भी खा ले. अच्छा, तक भी नहीं, सब जो हम बात कर रहे थे कि डाइनिंग टेबल पे हम जो बच्चों को आदत डालते हैं इस तरह से खिलाने की, तो उससे भी बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है. ये ऑब्जर्वेशन मेरी खुद भी है कि बच्चा जब देख रहा होता है कि सब खा रहे तो वो कुछ ना कुछ जरूर खाते हैं, छोटी एज से भी आप उसको बिठा दे तो खाने. बिल्कुल ऐसे है, आपको छोटी एज से ही बिठाना चाहिए, और बच्चे को थोड़ी इंडिपेंडेंस देनी चाहिए कि ये नहीं कि उसको स्पून फीडिंग पे लगाते जाएं, खुद से खिलाएं खुद से खिलाएं. हाँ, जब अगर आपका बच्चा नहीं खा रहा तो स्मॉल बाइट्स आप उसको दो. आप स्मॉल बाइट्स दोगे, कुछ दिन बाद वो खुद डिसाइड कर लेगा कि मेरा फूड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, और वो खुद लेना शुरू कर देगा. दूसरी बात, इंपॉर्टेंट चीज होती है कि साइकोलॉजिकली बच्चे की आप लर्निंग करा रहे होते हो. आप जब शुरू से बच्चे को एक ट्रेन कर रहे हो ना, ये ट्रेनिंग पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है उसका, ट्रेन कर रहे हो, वो अपनी माँ को देख रहा है, अपने बाप को देख रहा है, अपनी दादी दादे को देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं. वो आपको नहीं फील हो रहा है कि वो ऑब्जर्व कर रहा है इन चीजों, वो ऑब्जर्व कर रहा होता है. और आप ट्रस्ट मी, आप कुछ अरसे बाद देखोगे कि वो सेम फॉलो कर रहा होता है चीजें. तो बच्चा तो एक ऐसी चीज है जिसको जो लर्न करा दें वो लर्न करा दें. अगर वही उस जगह आप भी बैठ के कोई जंक खा रही होंगी तो उसको तो शुरू से पता लग जाएगा यार ये फूड समथिंग गुड, ये मैंने खाना है क्योंकि मेरी माँ प्रेफर करती है. आपने क्या है कि मैं घर पर सबसे ज्यादा बाहर का खाना खाती हूँ, और सब बच्चों को पता होता है कि अगर कुछ नहीं मिलेगा तो फुप्पो के पास तो कुछ मिल जाए. तो ये घर में एक आध होता है सारा सीन. अच्छा, जाके मिनिश हेल्दी फूड हमारे यहाँ नॉर्मली फ्रूट्स वेजिटेबल्स बच्चे नहीं खाते. अच्छा, ये भी मैं जानना चाहूंगी कि हमें बच्चों को एक प्रॉपर मील एट अ टाइम देना है या इंटरवल्स में आप उनको खिलाएं ताकि उनकी जो सारा एपेटाइट है वो फुलफिल भी हो जाए. हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि फिर हम एक प्रॉपरली, तो 3 proper meals होने चाहिए ना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और बीच में 2 snacks सफिशियंट होते. अच्छा, 2 snacks. अच्छा, अब स्नैक्स में भी इम्पोर्टेंट ये है कि ये नहीं कि फुल मील टाइप एक चीज आप दे दो और फिर आप कंप्लेन करते हो कि बच्चा लंच नहीं कर रहा, बच्चा डिनर नहीं कर रहा. स्नैक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मिनी मील्स होते हैं. मिनी मील्स में आप क्या दे सकते हैं उनको, हेल्दी स्नैक्स. हेल्दी स्नैक्स में आप उनको सैंडविच बना के दे सकते हो, आप उनको शेक्स बना के दे सकते हो, कबाब के साथ, आप फ्रूट्स दे सकते हो, आप उनको कोई वेजिटेबल जो भी बच्चे को पसंद है. और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों को थोड़ी स्वीट मीठी चीजें पसंद होती हैं, अपनी डेट्स अपने घर जरूर रखा करें. अच्छा, हाँ, उसकी तो आप वो स्नैक्स में उनको दें, एक इतनी हेल्दी चीज है कि. और योगर्ट, योगर्ट तो उनकी एक डाइट का इम्पोर्टेंट पार्ट जरूर होना चाहिए क्योंकि कैल्शियम रिक्वायरमेंट आपकी जो पूरी होती है. बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि जी बच्चे दूध नहीं पीते, तो यू हैव ऑल्टरनेटिव्स. आप उसको शेक बना के दे दें, वही आप एक मैंगो उसमें डाल दें, एक बनाना डाल दें, दोनों चीजों का उसमें कॉम्बिनेशन हो गया और उसकी पूरी कैलोरीज उसकी हो गई. दूसरी बात है,
जब आप स्नैक्स इस तरह के हेल्दी देंगे ना, वो डाइजेस्ट जल्दी होते हैं. डाइजेस्ट जल्दी होते हैं तो वो मील टाइम पे बेबी बच्चे को जो है भूख लगी होती है. अगर इसी की जगह आप उसको कोई बर्गर पकड़ा देंगे, कोई जंक फूड में कोई पैकेट फूड पकड़ा देंगे, एक तो वो उसका स्टमक फुल हो गया ना. अब आपका वो वाला मेन मील स्किप हो गया बच्चे का. फिर अब माएं परेशान हो रही होती है, उसने खाना नहीं खाया. हालांकि वो सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक जो हमने उस टाइम उसको दे दी, उसकी वजह से एक उसका पूरा मील मिस हो जाता है. बिल्कुल. और दूसरी बात है कि ये जो मील्स के साथ इनको जो स्नैक्स के साथ के दौरान जो इंटरवल होता है उसमें वाटर इनटेक, वाटर में बार बार इसलिए कहती हूँ कि मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है. जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा बच्चे की एपिटाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी. जो एक रूल एक अच्छा जो हम बना लें वो तो ये होता है कि एक बच्चे को हाफ आवर बिफोर मील अगर हम वाटर का एक ग्लास दे दें तो ट्रस्ट में आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चों की एपिटाइट अच्छी वाली इंक्रीज हो जाती है. अच्छा, खुद मांग आधा घंटा पहले खाना देने से पहले आप उनको एक ग्लास पानी दे दें. और ब्रेकफास्ट मस्ट कराएं. एपिटाइट इंक्रीज करने, भूख इंक्रीज करने के भी दो तीन एक बड़े इंपॉर्टेंट रूल है. एक तो बच्चे को वाटर दें हाफ आवर बिफोर मील. दूसरा, आप उसको ब्रेकफास्ट मस्ट कराएं. ब्रेकफास्ट मस्ट इसलिए कराएं, उसमें ये नहीं कि सिर्फ दूध का ग्लास दे दिया तो हमने कहा ब्रेकफास्ट हो गया. एक हेल्दी और अच्छा वाला ब्रेकफास्ट, उसका मकसद ये होता है कि जब स्टार्ट ऑफ डे ही आपका हेल्दी एक खाने से स्टार्ट हुआ, एक तो बच्चे में एनर्जी आई ना, वो उसी एनर्जी को यूटिलाइज करता है और लंच टाइम तक वो भूख उसको लग जाती है. और दूसरी बात, उसका मेटाबॉलिज्म ब्रेकफास्ट इंक्रीज शुरू कर देता है. अगर पहले दिन का स्टार्ट ही हम ब्रेकफास्ट से नहीं करते ना तो हमारा स्लो 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 वो चीजें होने लग जाती है. तीसरी चीज, आप उनको जब ये सैलड्स ये वाली चीजें देते हैं ये भी इंक्रीज करते हैं. चिकन का भी एक बड़ा होता है कि अक्सर पेरेंट्स कहते हैं नहीं खिलाना, कुछ कहते हैं खिलाना, ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसको भी जरा कर दें. अच्छा, मीट जो बेसिकली होता है वो प्रोटीन इंटेक के लिए हमें चाहिए होता है. तो प्रोटीन इंटेक के लिए तो जो अच्छी वाली एक चीज़ है वो रेड मीट है. रेड मीट में आप फिश ले सकते हैं, जो वो मटन ले सकते हैं और वो ले सकते हैं. वाइट मीट में जो प्रेफरेबल करना चाहिए, चिकन की बजाय फिश को प्रेफरेबल करना चाहिए. चिकन उस वक्त अच्छा था जब ये ब्रायलर और ये वाले चक्कर नहीं थे, क्योंकि अब बेसिकली इनमें इतने केमिकल्स यूज हो रहे हैं, इनको कुछ डेज में उन्होंने ग्रो कराना होता है जिसका हम सबको पता है, तो थोड़े इसके साइड इफेक्ट ज्यादा देखे गए हैं. इससे ये सबसे कॉमन चीज इससे जो देखी गई है, पुबर्टी बड़ी जल्दी बच्चों में आ रही है. अच्छा. मतलब जो एज पे हम देखते हैं कि वो सिम्टम्स आनी चाहिए वो बहुत अर्ली आ रही है. तो इससे बेहतर कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि फिश को हम अगर व्हाइट मीट में हम जा रहे हैं तो उसको कर दें. प्रोटीन्स एग्स में बहुत ज्यादा है. मीट अगर चले नहीं हम कहते कि अफोर्ड कर सकते तो कम से कम एग हम उनको बच्चों को दे सकते हैं. क्योंकि एग वाइट इज रिच ऑफ प्रोटीन, तो उसको हम यूज जरूर कराना चाहिए. ठीक हो गया डॉक्टर विनीत, हमारे साथ मौजूद है. अभी हम मजीद भी बच्चों की डाइट के हवाले से बात करेंगे, क्या देना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, इंटरवल जैसे डॉक्टर विनीत बता रही है कि आपने स्नैक टाइम भी रखना है, उनका प्रॉपर मील भी देना. अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. आप देखते रहिए जागो लाहौर.